वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये महीना मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत फोन्स मिल रहे हैं। तो आज मेरे पास और एक फिर से फोन है, रियलमी नार्जो 30 प्रो। हमने 30A का भी किया हुआ है, आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तब वहां से देख सकते हो। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। गाइज ये ऐसा है, कुछ बॉक्स अभी नया आ चुका है वैसा वाला, तो हम उसको खोल लेते हैं। तो आगे पहले एक रखा हुआ है सेक्शन, हम उसको बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं अंदर। इसमें हमें मिल जाती है कुछ ये गाइड्स, क्विक गाइड, और इसमें एक अच्छी बात है, हमें अच्छा केस देखने को भी मिल जाता है, उसमें हमको 30A में नहीं मिलता था। और देख लेते हैं अंदर। तो आगे ही पहले दूसरा फोन रखा, आगे ही पहले रखा हुआ है फोन, उसकी बाद में बात करते हैं। अंदर देख लेते हैं पहले एसेसरीज, हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं 30 वॉट का फास्ट चार्जर, और फोन भी सपोर्ट करते हैं 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग। और देख लेते हैं तो USB-C टाइप केबल। अब हम फोन की बात करें, पहले कर लेते सील में से बाहर, और प्रोटेक्शन को भी कर लेते रिमूव। ये स्क्वाड ब्लैक है, आप देख सकते हो, बेसिकली ब्लैक कलर है, ऐसे नाम रखते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही एक अच्छा डिज़ाइन है, सिंपल है, मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी, और ब्लैक कलर भी ऐसे अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो नीचे की साइड थोड़ा डार्क है, ऊपर की साइड थोड़ा लाइट है, तो मुझे ये डिज़ाइन बहुत ही एक अच्छी और सिंपल लगी। हम क्विकली पॉज और बटन्स की बात करें तो हमें राइट साइड देखने को मिल जाते पावर अनलॉक बटन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, ऊपर एक नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन। लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिल जाते सिम ट्रे, वॉल्यूम रॉकर, और नीचे की बात करें तो नीचे में देखने को मिल जाते हेडफोन जैक, जो कि अच्छी बात है, मिलता है एक प्राइमरी माइक्रोफोन, स्पीकर ग्रिल और USB पोर्ट। तो हम फोन के आगे की बात कर, पहले हम फोन को कर लेते हैं स्टार्ट, बाद में आगे की बात करते हैं। तो जब तक फोन स्टार्ट हो रहा है मैं आपको क्विक रिमाइंडर दे दूं, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और एक लाइक कर दीजिए। इसमें हम डिस्प्ले की बात करते, इसमें हमें 6.5 इंच की डिस्प्ले FHD+ देखने को मिल जाती है, और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, तो बहुत ही अच्छी पैनल देखने को हमें मिलती है। तो मुझे डिस्प्ले बहुत ही अच्छी लगी, मैं आपको फुल ब्राइटनेस करके दिखाता हूँ। देखो ये फुल पे ही अभी है, तो कितनी ब्राइट भी है डिस्प्ले, आप सनलाइट में देखोगे तो भी आपको प्रॉपर दिखेंगे, आपका चैट भी प्रॉपरली दिखेगा, तो सनलाइट में भी बहुत ही अच्छी डिस्प्ले रहती है। और इसमें बेजल्स की बात करें तो बेजल्स मुझे बहुत ही पतले लगे, नाक के बराबर है, और चिन भी बहुत ही छोटा है। गाइज इसमें प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Dimensity 800U लगा हुआ है, जो 5G प्रोसेसर है, तो इसमें हमें 5G भी देखने को मिलता है, इंडिया का सबसे चीपेस्ट 5G हम इसमें ही देखने को मिल जाते हैं, आपको 17,000 में इसमें 5G मिल जाते, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें आपको प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छी स्मूथ मिलेगा, 120Hz रिफ्रेश रेट भी है, तो इसमें गेमिंग भी बहुत ही मक्खन जैसी होगी। तब रियलमी वाले ये नार्जो सीरीज गेम सेंट्रिक की बना रहे हैं, क्योंकि इसमें 800U लगा हुआ, तो 17,000 में वो भी, तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है परफॉर्मेंस के मामले में। इसमें बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, 30W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में, तो एक दिन आपको आराम से जाएगा 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। इसमें हम OS की बात करें तो इसमें भी चल रहे Realme UI वर्जन 1 और Android 10, तो वो मुझे किसकी अच्छी बात नहीं लगी, एक Android 10 तो आपको वो भी मिल जाएगी 11 जल्दी आपको अपडेट के बाद, तो वो अभी 11 होता तो बहुत ही एक अच्छा फ़ोन बन जाता, ऐसे भी अच्छा फ़ोन है। इसमें हम कैमरा सेटअप की बात करें तो हमें इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और 2 मेगापिक्सल डेप्थ शॉट के लिए, तो बहुत ही एक अच्छा कैमरा सेटअप है, और फोटोज़ भी बहुत ही अच्छे आते हैं। आपने मेरा रियलमी नार्जो 30 का देखा तो उसमें फ़ोटो अच्छे नहीं आते थे उसमें, तो इसमें फोटोज़ भी बहुत ही अच्छे आते हैं, लो लाइट कंडीशन और नेचुरल लाइट। सेल्फी कैमरा की बात करें तो उसमें भी हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है पंच होल।
इसमें हम कैमरा ऐप की बात करते हैं, आपको अच्छा सिंपल कैमरा ऐप देखने को मिल जाते हैं, AI हाईलाइट का ऑप्शन है, नाइट मोड देखने को मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट मोड, और आपको अल्ट्रा मैक्रो स्लोमो टाइम लैप्स, तो एक अच्छा कैमरा ऐप भी है। गाइज मैं आपसे कुछ कैमरा सैंपल शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे आए हुए हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। डे लाइट में ऐसे अच्छे आते हैं और लो लाइट में भी ऐसे अच्छे आते हैं, तो मुझे तो फ़ोटो बहुत ही अच्छे लगे। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। इसमें मल्टीमीडिया की बात करें तो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। पहले वीडियो व्यूविंग की बात करें तो बहुत ही एक अच्छा वीडियो व्यूविंग रहेगा। आप पंची कलर्स देख सकते हो, दिख रहे पंची कलर्स दिखेंगे प्रॉपर है। और हम ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो ऑडियो क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, ऐसे लाउड है, और थोड़ी सी लाउड होती तो अच्छा रहता, लेकिन अच्छी है ऑडियो क्वालिटी भी। मैं आपसे थोड़ा ऑडियो शेयर कर रहा हूँ। इसमें बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की बात करते, पहले बात करते फिंगरप्रिंट की, बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, आप देख सकते हो बहुत ही क्विक है, रखते ही खुल जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये प्राइस रेंज में इतनी फास्ट फिंगरप्रिंट। और फेस लॉक की बात करें तो फेस लॉक भी बहुत ही फास्ट है, आप देख सकते हो, तो मुझे ये प्राइस रेंज में बहुत ही दोनों अच्छे लगे, बहुत ही फास्ट है। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही। तो मुझे ये फ़ोन के बारे में क्या लगता है, बहुत ही एक अच्छा फ़ोन है, आप देख सकते हो डिज़ाइन के मामले में भी सिंपल डिज़ाइन है पर बहुत ही एक अच्छा लुक दे रही है। इन एंड फील में भी बहुत ही एक लाइट वेट और कंफर्टेबल है। और इसमें हम सबसे अच्छी बात है जो है 5G, हमें 17,000 में 5G देखने को मिल जाता है, और एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर डायमेंसिटी 800U देखने को मिल जाता है, और 120Hz की रिफ्रेश रेट भी इसमें आ जाता है, तो बहुत ही एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको रहेगा। 5G भी है तो ये फ्यूचर प्रूफ फ़ोन है, आप 2-3 साल यूज़ करोगे तो भी आपको 5G आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये फोन कैमरा भी इसका बहुत ही एक अच्छा है, लो लाइट कंडीशन में भी, डे लाइट में भी, तो ये फ़ोन इसके प्राइस को जस्टिफाई करता है, और मैं आपको ये रिकमेंडेड करता हूँ, बहुत ही एक अच्छा फ़ोन है, आप ये देख सकते हो। बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।